गजरौला पुलिस ने अवैध शराब हरियाणा मार्ग का 135 पेटी सहित दो तस्कर किए गिरफ्तार। अमरोहा जनपद के थाना गजरौला पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरियाणा मार्ग का शराब भारी मात्रा में पकड़ी, जिसमें एक आरोपी खेतों के रास्ते से भागने में कामयाब रहा। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत डॉक्टर विपिन तांडा, पुलिस अधीक्षक अमरोहा व अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनोरा सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शराब माफिया व अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गजरौला पुलिस द्वारा ब्रजघाट चौकी पर चेकिंग के दौरान एक छोटा हाथी में 135 पेटी हरियाणा मार्ग का अवैध शराब के साथ दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह हरियाणा से शराब लाकर मुरादाबाद व अमरोहा के आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। ये गजरौला थाना क्षेत्र के ब्रजघाट चौकी में एक छोटा हाथी पकड़ा गया है, जिसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से करीब 5 लाख रुपए की 6700 पौवे शराब बरामद हुआ है। ये हरियाणा की बनी हुई शराब है। एक व्यक्ति फरार हो गया है। अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है।